दोस्तों, अगर आपने भी कोई अपना एक नया YouTube चैनल को स्टार्ट कर रहा है और अगर आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में अपना Instagram, Facebook या फिर कोई भी सोशल मीडिया का लिंक ऐड कर रहे हो और आप लोगों को जो है ऐसा कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, तो ये वीडियो को जो है दोस्तों आप लोग एक बार बिना स्किप किए पूरा देख लीजिएगा। मैं जो है आप लोगों को इसका एकदम इंस्टेंट सॉल्यूशन और साथ ही साथ एक परमानेंट सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, इसको कि यूज करके आप सभी लोग जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो। सबसे पहले जो है गाइज, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्या प्रॉब्लम है। यूट्यूब जो है गाइज बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया है। यूट्यूब पे जो है गाइज डेली बिलियंस ऑफ ऑडियंस आते हैं और वीडियोज को वॉच करते हैं। वैसे में कुछ मुझे स्कैमर लोग क्या करते हैं कि कोई भी फर्जी सा वीडियो बना देते हैं, अपना वेबसाइट और ऐप्स का मार्केटिंग कर लेते हैं और फ्री में जो है ऑडियंस को लेकर के चले जाते हैं और साथ ही साथ बाद में जो है ऑडियंस के साथ स्कैम वगैरह भी हो जाता है, तब जो है वो ऑडियंस एकदम से यूट्यूब पे ट्रस्ट करना छोड़ देता है। इसको जो है काफ़ी हद तक कम करने के लिए जो है YouTube ये रूल लेकर के आया है कि अगर आपने कोई अपना एक नया YouTube चैनल बनाया है तो वहाँ पे जो है आप सभी लोग विथ इन YouTube यानी कि दूसरा कोई YouTube वीडियो का YouTube चैनल का URL तो दे सकते हो, यानी कि YouTube.com का URL दे सकते हो, लेकिन जो है आप सभी लोग कोई एक्सटर्नल वेबसाइट जैसे कि Instagram, Facebook, Play Store या फिर अपना वेबसाइट, वो सब का जो है लिंक आप सभी लोग नहीं दे सकते अगर आपका नया चैनल है तो। अगर आप लोगों ने जो है गाइज अपना चैनल को एकदम सीरियसली स्टार्ट करा है, सिर्फ आप लोगों के पास एक या फिर मैक्सिमम दो चैनल है जिसको कि आप सभी लोगों को अच्छे से चलाना है, तो वैसे में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग जो है परमानेंटली वो इश्यू को सॉल्व कर लीजिए। लेकिन जो है काफ़ी केस में क्या होता है कि आप लोगों को मल्टीपल चैनल्स बनाना होता है, 5 नहीं 10 नहीं 20 30 40, वैसा कोई अगर आप लोगों को चैनल बनाना है अपना कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के लिए, फिर जिस भी पर्पस के लिए अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चैनल्स बनाना है, तो वैसे में जो है आप सभी लोग इंस्टेंट सॉल्यूशन की तरफ भी जा सकते हो। तो सबसे पहले जो है गाइज मैं आप लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। जब भी आप सभी लोग अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करने जाओगे, वहीं पे जो है नीचे की तरफ आप लोगों को कुछ ऐसा नोटिफिकेशन दिखने वाला है, उसी पे जो है जस्ट आप सभी लोग क्लिक कर दीजिएगा। वहां पर क्लिक करने के बाद जो है गाइज आप लोगों को जो है वहां पे तीन ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला है यूज वीडियो वेरिफिकेशन, वो जो है गाइस सबसे बेस्ट, सबसे जो है फास्ट और साथ साथ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग वही ऑप्शन को यूज कीजिए। उसमें क्या है कि आप लोगों को जस्ट सिंपल सा अपना एक फेस का वीडियो टाइप बना देना है आप, जिसमें आपका फेस दिखे, और उसको जो है गूगल के पास भेज देना है। वो जो है गाइस सबसे ईजी स्टेप जो है गाइस यही है। इसके ऊपर जो है मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बना दिया है, जस्ट आप लोगों को जो है 2 या फिर 3 मिनट लगेगा, उसको आप सभी लोग वेरीफाई कर सकते हो। तो वो जो है वीडियो का लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, या फिर जो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं इंड स्क्रीन में भी वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने यूट्यूब चैनल एकदम सीरियसनेस के साथ स्टार्ट करा है, उसको आप सभी लोगों को लॉन्ग टर्म तक लेकर के जाना है, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन जो है आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दूसरा जो तरीका है गाइज वो है यूज आईडी वेरिफिकेशन। इसमें क्या है कि आप लोगों को वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है गूगल को अपना आईडी, जो भी आपका आईडी कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो, उसका जो है फोटो क्लिक करके जो है गूगल को भेज देना है। उसके बाद गूगल का टीम आपका वो डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेगी, सब कुछ सही रहा तो आपका जो चैनल पर जो है वो फीचर को अनलॉक कर दिया जाएगा। और जो है गाइस तीसरा तरीका है जिसमें आप लोगों को वेरिफिकेशन तो नहीं कराना है, बट आप लोगों को उसमें टाइम लग सकता है अबाउट 2 मंथ का। तो इसमें क्या करना है कि वो ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट कर लोगे और अपना जो कंटेंट धीरे धीरे अपलोड करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो है यूट्यूब धीरे धीरे आपका चैनल को रिव्यू करता रहेगा, और यूट्यूब को जब लगेगा कि आपका चैनल सब सही है, आप कोई स्कैमर नहीं हो या फिर यूट्यूब पे स्कैम करने नहीं आए हो, आप जो है यूट्यूब को एकदम सीरियसनेस के साथ कर रहे हो, तो वैसे में जो है 2 मंथ के अंदर अंदर जो है यूट्यूब आपको जो है वो चैनल पे वो फीचर को ऑन कर देगा। अब जो है गाइस मैं आप लोगों को एकदम इंस्टेंट जो है गाइस इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। इंस्टेंटली के लिए गाइज आप सभी लोग क्या कर सकते हो, जो भी लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में देने वाले हो वो लिंक को जो है आप सभी लोग सिंपली अपना अकाउंट से, मेन अकाउंट से जो है कमेंट कर दीजिए और उसको जो है पिन कर दीजिए। और वीडियो में जैसे आप बोलते हो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वैसे ही आप सभी लोग बोल दीजिए कि जो लिंक है वो पिन कमेंट में जो है या फिर कमेंट सेक्शन में जो है दिया हुआ है। कोई भी ऑडियंस कमेंट सेक्शन पर क्लिक करेगा और वो लिंक पर क्लिक करके जो है आपके साइट पर ईजिली जा सकता है। तो ये जो है गाइज एक इंस्टेंट सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है। लेकिन जो है अगर आप लोगों को वो चैनल को लॉन्ग टर्म तक लेकर के जाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो वेरिफिकेशन जो है करा लीजिए। विद इन 1 एंड 2 आवर आपका वेरीफाई भी हो जाता है। वो वीडियो का जो है लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे साइड में दे दूंगा। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर आप लोग नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर